हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बनाएंगे आप सबका मनपसंद बेसन के टेस्टी टेस्टी लड्डू। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे हम बेसन के टेस्टी लड्डू। कुछ खास टिप्स और तरीका हम बताएंगे जो आप आसान तरीके से बेसन के लड्डू बनाकर खा सकते हैं, वो भी बाजार जैसे बिल्कुल। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं, मीठे टेस्टी लड्डू। हमने गैस पर कढ़ाई रख दिया था, तो उसमें हम डाल देते हैं देसी घी। तो एक बड़ा चम्मच भरकर हमने देसी घी डाल दिया है। घी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है जब भी बेसन के लड्डू बनाए जाते हैं, तो दो बड़ा चम्मच भरकर हमने घी डाल दिया है। तो ये देखिए दोस्तों, घी मेल्ट हो चुका है। टोटल एक कटोरी के बराबर पर ये घी होगा। अभी हम कटोरी आपको दिखा देते हैं, तब इसमें हम बेसन डालेंगे। तो ये जो कटोरी लिए है, इस एक कटोरी टोटल घी है ये, तो इसी कटोरी से हम नाप कर बेसन भी डालेंगे। तो ये देखिए दूसरा कटोरी ये है, टोटल दो कटोरी बेसन डालने हैं, तो एक कटोरी हम बेसन और डाल देते हैं। तो ये देखिए, ये ज़्यादा बड़ी कटोरी नहीं है, छोटा है थोड़ा। तो टोटल हमने तीन कटोरी बेसन डाल दिया है और एक कटोरी होगा घी। तो सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, तो अच्छे से हम पूरा मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम एकदम धीमी आँच होनी चाहिए। जब भी बेसन के लड्डू बनाए जाते हैं तो धीमी आंच पर ही आपको इसको चलाते हुए भूनना है। तो ये देखिए मिक्स हो चुका है। अब इसे हम लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे जब तक कि इसमें से खुशबू ना आने लगे। बहुत लोग के बेसन के लड्डू सही से नहीं बन पाते हैं, कभी कभी बेसन कच्चा भी हो जाता है, तो दांत में चिपकने भी लगते हैं बेसन। तो इसलिए आपको बेसन को एकदम धीमी आँच पर भूनना है ताकि बेसन कच्चा ना रहे। अगर कच्चा हो जाएगा तो दांत में चिपकने लगता है। तो ये देखिए चलाते हुए हम इसको भून रहे हैं। अब बेसन पक जाए, भून जाए, जब खुशबू आने लगे तो समझिए कि बेसन भून गया है और थोड़ा सा कलर चेंज होने लगे। बहुत लोग बेसन को भी भून नहीं पाते हैं सही से, पता नहीं चल पाता है। तो ये देखिए दोस्तों, हम चलाते हुए इसको भून रहे हैं और बिल्कुल धीमी आंच पर हम भून रहे हैं इसको। तो ये देखिए 5-6 मिनट हो चुका है, अभी तक इसको हम भून रहे हैं, क्योंकि अभी बेसन से खुशबू नहीं आया है, तो इसका मतलब बेसन अभी भुना नहीं है, अभी कच्चा है ये। तो थोड़ा सा अभी ये ड्राई हो गया है। अगर जब बेसन थोड़ा ड्राई हो जाए, सूखने लगे, तो आप उसमें 1-2 चम्मच देसी घी और डाल दें ताकि वो गीला हो जाए। तो ये देखिए 2 चम्मच हम इसमें घी और डाल दिए हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे, चला देते हैं। थोड़ा थोड़ा बेसन भून चुका है, अभी थोड़ा सा हम और भुनेंगे। तो ये देखिए चलाते हुए अभी हम इसको मिक्स कर रहे हैं। अब बिल्कुल धीमी आंच पर ही आप इसको बनाएंगे। तो ये देखिए चलाते चलाते ये पूरा गीला हो चुका है, देख सकते हैं आप। अब बेसन का कलर भी चेंज हो चुका है, खुशबू भी आने लगा है बेसन से। जब तक खुशबू ना आने लगे तब तक आपको बेसन भूनते रहना है लगातार चलाते हुए, और वो भी धीमी आंच पर। तो देख सकते हैं आप, थोड़ा सा गीला आपको लग रहा होगा ये, तो इसको और भूनते हैं 5-6 मिनट तक। तो ये देखिए दोस्तों, 5-6 मिनट हो चुका है और एकदम अच्छे से भुन गया है ये। तो ये बेसन एकदम पक चुका है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी का छींटा डालेंगे ताकि जो है लड्डू जो है दानेदार बने। तो थोड़ा सा पानी के छींटे डाल देते हैं हम, थोड़ा थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं। तो ये देखिए हमने डाल दिया है। तो अब इसको मिक्स कर देते हैं। तो 1-2 मिनट तक और हम भुनेंगे इसको, क्योंकि पानी हमने डाला है ताकि पानी सूख जाए पूरा। 2 मिनट तक इसको चलाते हुए और भुनेंगे हम। देख सकते हैं आप दोस्तों, कलर चेंज हो चुका है ये बेसन का पूरा, और बहुत ही अच्छे से भुन गया है ये।
एकदम अच्छे से बेसन भून जाए ताकि वो कच्चा ना रहे, नहीं तो लड्डू जो है अच्छे नहीं बनेंगे। इसको हमने 2-3 मिनट तक लगातार चलाते हुए अच्छे से भून गया है और ये पूरा ड्राई हो चुका है, ये देखिए, और दानेदार भी है ये। तो बेसन हमारा ये लड्डू के लिए रेडी हो चुका है। तो गैस की फ्लेम अब हम बंद कर देते हैं, ऐसे थोड़ा फैला दिए हैं, फ्लेम बंद कर देंगे। इसे अब हम एक थाली में निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हम इसको थाली में निकाल लेते हैं ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। तो पूरा बेसन जो है हमने पूरा थाली में निकाल लिया है, तो उसको ऐसे फैला देते हैं, पलटा से ऐसे फैला देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए जल्दी से। तब इसमें हम चीनी मिलाएंगे, इसको रहने देते हैं 15-20 मिनट तक। तो ये देखिए ठंडा हो चुका है, अब इसको हम चलाते हुए भी ठंडा कर रहे थे। ये देखिए लड्डू बनने के लिए तैयार है, और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए ना ही ज़्यादा गर्म, इतना ठंडा कि छू ले आप। अगर ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो लड्डू जो है वो अच्छे से नहीं बनेंगे, तो हल्का सा गर्म होना चाहिए। तो इसमें हम पिसी हुई चीनी डाल रहे हैं, ये टोटल 1 कटोरी या 1.5 कटोरी चीनी है ये, जिस कटोरी से हमने बेसन लिया था उसी कटोरी से ये 1.5 कटोरी हमने चीनी डाल दिया है, ये पिसा हुआ चीनी है। तो इसको मिक्स कर लेते हैं, मीठा आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिलाना है आपको, तो इसे अब हम हाथ से मिलाएंगे। देखिए ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर आप चीनी पिसा हुआ डालेंगे तो वो मेल्ट होने लगेगा, तो इसलिए ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, इसको हम हाथ से मिला लेते हैं पूरा। इसको हम मिला लेते हैं, तो अगर मीठा कम होगा तो हम चीनी बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं ये 1/2 छोटा चम्मच या 1 छोटी चम्मच पिसी हुई इलायची का पाउडर। तब इसको हम मिक्स कर देंगे, तो मिला लेते हैं। तो ये देखिए अभी थोड़ा सा ये गीला दिख रहा है आपको, तो इसे हमने दोस्तों एक बड़ी थाली में ले लिया है, क्योंकि छोटी थाली में जो है मिक्स नहीं हो पा रहा था और चीनी थोड़ा सा कम लग रहा था, तो 1 बड़ा चम्मच हमने डाल दिया है। तो टोटल 2 कटोरी ये चीनी है, पिसी हुई चीनी। आप पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं या बूरा भी आता है मार्केट में, वो आसानी से मिल जाता है, आप उससे भी लड्डू बना सकते हैं, या चीनी को ही मिक्सी में पीस कर वो डाल दें आप। तो इसको देखिए ऐसे दोनों हाथों से आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि चीनी जो है बेसन में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए लड्डू बनाने के लिए जो बेसन जो है पूरा रेडी हो चुका है, तो अभी लड्डू बनाना हम शुरू करते हैं। आप इसमें खरबूजा का बीज भी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स अगर आपको डालना है तो आपको छोटा छोटा कट करके डाल दें, तो हम ये नहीं डालेंगे। अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी बनाएं, अच्छा लगता है खाने में। तो ये देखिए लड्डू कितने आसानी से बन गया है, देख सकते हैं आप। तो दूसरा लड्डू भी हम बना देते हैं, ये ज़्यादा ड्राई भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए तुरंत हम ले रहे हैं, तो ये लड्डू बन जा रहा है, देख सकते हैं हम। तो ये एकदम अच्छे से बना है बेसन, ये देखिए 2-3 लड्डू बना ले, तो सभी लड्डू बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए टोटल हमने 2 प्लेट लड्डू बनाकर रेडी कर लिया है, और बहुत ही टेस्टी लड्डू बने हैं, बेसन के टेस्टी और मीठे मीठे लड्डू, और वो भी दानेदार। हम आपको पास से दिखा देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों कितने टेस्टी लड्डू, और सारे एक शेप के लड्डू बने हैं, देख सकते हैं आप। अब बेसन के लड्डू तो बहुत ही सबको पसंद आता है खाने में, और बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है ये। तो आप भी बेसन के लड्डू बना सकते हैं और अपने परिवार को भी खिलाइए टेस्टी टेस्टी बेसन के लड्डू।
तो इस आसान तरीके से आप बना सकते हैं। बेसन को आप अच्छे से भून लें, जब बेसन ठंडा हो जाए तभी आप उसमें चीनी डालें, नहीं तो वो मेल्ट होने लगेगा। अब बेसन अच्छे से भूनेंगे तो दांत में नहीं चिपकेगा। तो एक बेसन का लड्डू हम आपको तोड़कर भी दिखा देते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो दोस्तों आपको ये बेसन के टेस्टी लड्डू कैसे लगे हैं, रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप भी बनाइए बेसन के टेस्टी मीठे लड्डू, तो बनाइए और खाइए और अपने परिवार को भी खिलाइए। बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाता है। तो हम आपके लिए ऐसी टेस्टी टेस्टी रेसिपी लाते रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, कल मिलते एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।